How are you all? I hope from you, you are very, very well, happy and safe at your home. So don't worry about your study because I am here. I am your English teacher, Mansi ma'am. This is your कंजेक्शन वीडियो. दिस इज आज हम लोग सीखेंगे और नए नए कंजेक्शन का क्या जो पेयर में काम किए जाते हैं वो कंजेक्शन. सम कंजेक्शन सच एज ही वंस गिवन बिलो आर यूज इन पेयर. कुछ ऐसे कंजेक्शन होते हैं जो कि पेयर में यूज किए जाते हैं, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, टूथ, हाँ, दो, येट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और, वेदर और. ये ऐसे ये कंजक्शन होते हैं जो हमेशा पेयर में यूज होंगे. एक ही सेंटेंस में दोनों चीजें यूज हुआ करेंगी पूरे पूरे पेयर के साथ. जैसे कि एग्जाम्पल, आइदर शीला विल बी प्रेजेंट और मीटिंग विल नॉट बी हेल्ड. हाँ, जब जैसे कि यहाँ पर शीला प्रेजेंट होगी लेकिन मीटिंग हेल्ड नहीं होगी, मीटिंग नहीं होगी, ठीक है. नाइदर राम नॉर आभा कैन आंसर दैट क्वेश्चन. ना तो राम ने और ना ही आभा ने, ना तो राम नहीं तो आभा, दोनों ही इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, ठीक है. दीज स्टूडेंट्स आर बोथ टैलेंटेड एंड स्मार्ट. ये जो दोनों ये जो स्टूडेंट्स हैं वो दोनों ही टैलेंटेड भी हैं और स्मार्ट भी हैं और टैलेंटेड भी हैं. तो यहाँ पर बोथ और एंड एक साथ यूज हुआ. दो, शी इज ओल्ड एंड फ्रेल गेट शी कम्स टू द ऑफिस एवरी सिंगल डे. ओके, जबकि वो इतनी बूढ़ी है और फिर भी वो आती है ऑफिस डेली, ठीक है. नॉट ओनली इन द ऑक्ट्री ओल्ड बट ऑल्सो ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल वैल्यू. ना ही ओल्ड ऑक्ट्री, न सिर्फ ओल्ड ऑक्ट्री पुराना होता है लेकिन इसकी बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल वैल्यू भी होती है ऑक्ट्री की, ठीक है. ओके, वेदर ही एक्सेप्ट द पोस्ट और डिक्लाइंस इट विल डिपेंड ऑन हिज हेल्थ. जबकि वो अपनी पोस्ट को एक्सेप्ट करते हैं और डिक्लाइंस इट विल डिपेंड ऑन हिज हेल्थ, ठीक है, और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखता है. तो चलो यहाँ पर ये बात हो गई. अब हमारा नेक्स्ट फेज जिस पर हम पहुंचेंगे वो देखो क्या, ठीक है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब आपको एक्टिविटी 4 और एक्टिविटी 5 को करना है, कंजक्शंस फिल करने हैं, ठीक है. समझ में आ रहा है? तो अब इनको आपको, हाँ, एक्टिविटी 4 आपको नोटबुक पे करनी है और एक्टिविटी 5 आपको बुक में ही फिल करनी है और मेरे को सेंड कर देना है. आई एम वेटिंग.